वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ब्लॉग को स्टार्ट किया है मैंने, क्या बताऊँ कैसे ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ये देखिए। तो गाइस, पूरे बेड पे कपड़ा बिखर चुका है, ये देख सकते हो आप लोग कि पूरे बेड पे कपड़ा ही कपड़ा है। और सारे बैग्स जितने भी हैं, कुछ अंदर सारे पैक हैं, कुछ बाहर निकले हुए हैं। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, बुरी बात, अजीब बात ये है कि एक भी कपड़े अभी तक समझ में नहीं आए कि मैं आज क्या पहनूं। एक भी कपड़े ऐसे नहीं मुझे लग रहे हैं। सारा का सारा खोल दिया है, जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है और जो नहीं चाहिए वो मिल रहा है, जो मिल रहा है वो पहनने का मन नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स कि जितने कपड़े लो ये कपड़े जाते कहाँ हैं। सच में एकदम परेशान हो गए हैं। आज क्या मैं पहनूं? सारे बैग खोल खोल के देख रही हूँ, कपड़े ही नहीं मिलते हैं। जब कहीं जाना है, कहीं पहनना है, फिर लेने का मतलब क्या है? क्यों लेते हैं? गुस्सा तो ऐसे ही लग रही है, लेना ही बंद कर दो। चलिए आप लोग बने रहो, मैं खोज रही हूँ कोई कपड़े, अगर मिल जाते हैं तो पहनेंगे। और इन सबको रखूँगी, जो वो हैं वो फोल्ड भी करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो फ्रेंड्स। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत जो है ना वो मोल ले ली है। जो ड्रेस मैं खोज रही हूँ वो मिल नहीं रही है, देखते हैं सारे खोल खोल के मिलते हैं तो। और पूरे हाथ में छांट छांट के रखूंगी मैं, क्योंकि एक जगह ऐसे कर करके रखेंगे ताकि इसलिए मिल जाए। ड्रेस नहीं मिल रहे लास्ट ईयर के, तो मिले भी नहीं। और मैं साड़ी के कुछ ब्लाउज खोज रही थी तो वो ब्लाउज भी नहीं मिला, मतलब जो आज ढूंढ रही थी वो एक भी नहीं मिला। तो मैं देखती हूँ क्या पहनती हूँ आज, और एक दो कपड़े कराना है स्टिच, वो कराऊंगी। और मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनवाने। थ्रेडिंग मोबाइल में आप लोगों को नहीं दिख रही है पर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो मैं कई दिन से सोच रही थी मुझे कराना था, तो वो मैं आज जा रही थी। तो चलिए ब्लॉग में आप लोग बने रहेगा, थ्रेडिंग कराने जा रही हूँ तो वो ब्लॉग भी शेयर करूँगी आप लोगों से। और उधर से आराध्या को लेते हुए आऊँगी, क्योंकि आराध्या के आने का टाइम भी हो गया है, तो उसको लेते हुए। और ये दूंगी स्टिच कराने के लिए, ब्लाउज एक मैंने मंगाया है तो वो भी थोड़ा सा ढीला है, तो उसको भी स्टिच कराना है साइज़ का, तो वो कराऊँगी। और उसके बाद आराध्या को लेते हुए और थ्रेडिंग बनवा के। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, चलिए आप लोगों को वहीं पे मिलते हैं पार्लर में। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ पार्लर, और देखिए यहाँ पे पार्लर वाली ये जो दीदी हैं बहुत अच्छी हैं, तो इन्हीं के पास मैं ज़्यादातर आती हूँ। पहले आती थी, बहुत अच्छी थ्रेडिंग ये बनाती थी, बीच में नहीं आ रही हूँ तो मेरी एकदम थ्रेडिंग ख़राब हो गई है। तो अब मैं आज फिर से इनके पास आई हूँ, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और अब देखिए थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, और लास्ट का लुक देखिएगा कि आप लोग कितना अच्छा इन्होंने बनाया है या नहीं बनाया है। और प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्लॉग में बने रहिए, म्यूजिक के साथ एंजॉय करिए आप सब।
तो फ्रेंड्स, ये जो पार्लर वाले के पास मैं आई हूँ, ये बहुत अच्छा बनाती है थ्रेडिंग, मतलब सेप बहुत अच्छा देती है। और मेरा एक दो बार ना एक पार्लर वाले के पास गए थे तो उसने पूरा मेरा सेप ही ख़राब कर दिया था सेप। तो इसलिए मैं इनके पास आई कि थोड़ी सी मेरी अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरा काफ़ी हद तक मेरी अच्छी भी कर दी, मतलब सेप लाने की कोशिश की हैं। तो बोली हैं कि 2-3 बार आप आइए तो हम आपका अच्छे से कर देंगे और आपका एकदम अच्छे से हो जाएगा। जिसने भी किया है ना, एकदम ख़राब कर दिया, एकदम पतली कर दिया था और टेढ़ी मेढ़ी सा कर दिया था। तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी अच्छी मेरी थ्रेडिंग बनाई। और इसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी और मैं लेके ना इस कैमरे से पास से दूर से अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का जो है ना कमेंट आने लगता है कि कैमरा बहुत दूर था, अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, अच्छे से वो नहीं कर रहा था। इस वजह से मैंने अच्छे से ले के पास से कोशिश की है आप सबको थ्रेडिंग बनवाते हुए दिखाने की। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा थ्रेडिंग, आईब्रो थ्रेडिंग ब्लॉग अच्छा लगेगा। और आप लोग प्लीज़ जो भी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ कमेंट आप लोग नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करो, क्या जाता है आप लोगों का कमेंट करने में। और अब मैं थ्रेडिंग बनवा लूँगी, काफ़ी अच्छी मेरी बनी भी है। और उसके बाद जाएंगे आराध्या को लेके स्कूल जाएंगे, स्कूल से घर जाएंगे, घर जाएंगे खाना तो बना लिया था, खाना खिलाएंगे उसको। खाना खिलाने के बाद अगर आराम करना रहेगा, वो सोएगी तो उसको सुलाएंगे, और नहीं सोएगी तो नहीं सुलाएंगे। और शाम को क्या है ना कि पूजा में जाना है, थर्सडे है आज, मतलब ये थर्सडे का ही ब्लॉग शूट कर रही हूँ और ये शाम को अपलोड करूँगी। और जो शाम को थर्सडे का ब्लॉग शूट करूँगी, अगर ये ज़्यादा लॉन्ग होता है तो उसको सेपरेट डालेंगे, नहीं तो दोनों ब्लॉग को एक साथ ही अपलोड करूँगी। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा लॉन्ग होगा ना, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा लोग मुझे लगता है कि नहीं देखते हैं, तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करूँगी, बोरिंग ना हो। इस वजह से मैं ये वाला ब्लॉग सेपरेट कर दूँगी, और अगर वो छोटा हुआ ब्लॉग, ज़्यादा नहीं लंबा हुआ, तो मैं उसको भी शूट करके करूँगी। तो शाम का अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है, लेकिन हाँ जाना है तो अगर ब्लॉग शूट करूँगी तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और उसके बाद फिर आराध्या को थोड़ा सा आराम कराते हैं, एग्ज़ाम है तो उसका थोड़ा सा तैयारी भी कराना पड़ता है, प्रणव को भी थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है यार, लेकिन लगाते नहीं हैं। वैसे पता है, किसी को पता नहीं है तो नहीं नहीं चलेगा, पता है फिर फिर भी नहीं लगाते ऐसे कोई करता है बहुत ज़रूरी है लगाना।